वेकम टू रोज पॉइंट आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारे इकोनॉमी की है विजन आई की तो यहाँ पे हमारी जो एक साल की रिवीजन हो रही है मई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक के जितनी भी टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है उन सबको हम लोग यहाँ पे कव कर रहे हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल पॉलिसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ तो इसमें जितनी टॉपिक्स हैं जैसे कि स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस देखेंगे स्टेट फाइनेंसेज के बारे में एक बहुत अच्छी आर्टिकल थी तो उसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कवर करेंगे देन जीसेक जीसेक सेक इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको आ, लास्ट ईयर भी प्रलम्स में क्वेश्चन देखने को मिला देन टैक्सेशन की बात करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन न्यूज़ में था देन ग्लोबल मिनिमम कॉपरेट टैक्स रेट के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन हो रहा है तो आई थिंक कि इस बार इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये कुछ टॉपिक्स है देखते हैं कितने हम लोग आज कवर कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जिसमें कि हम लोग देखने वाला है स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस तो हम लोग फास्ट मोड में यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो हर एक पी टी सी सिक्सटी लेसन आपको मिलने वाली है पॉलिटी की काफ़ी लेसन आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो इसलिए मैं बाकी सब आ चुके हैं साइंस एंड टेक भी आ गया है कल्चर भी आ गया है तो इसलिए मैं एक एक करके सब स्टार्ट करूँगी चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट फाइनेंस पे बात करते हैं तो स्टेट फाइनेंस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसका नाम है स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021-2022 और इसकी थीम है कॉपिंग विद द पैंडमिक अ थर्ड ईयर डायमेंशन एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस की तो एक साल की ये रिपोर्ट है कि स्टेट फाइनेंस यानी कि हर एक राज्य की जो सरकार है उनकी फाइनेंस की क्या कंडीशन है की हाईलाइट्स देख लेते हैं रिपोर्ट की लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज क्या है स्टेट रेवेन्यूज़ का जो स्टेट सरकार जो आप देखते हो कि राज्य की सरकार है तो उनका रेवेन्यू का सोर्सेज क्या है कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए देखिए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो दोनों का दो तरीका होता है एक तो टैक्स रेवेन्यू आते हैं कि कुछ चीज़ों में टैक्स लगाई जाती है उससे जो पैसे मिलते हैं तो वो एक डायरेक्टली फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है जो कि कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सेकेंड होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें टैक्स नहीं लगते हैं तो अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट के पास एक थर्ड ऑप्शन ओपन हो जाता है कि अगर पैसे की कमी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट के फॉर्म में पैसे मांग लेती है सो वट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रांट्स एंड लोन्स लोन क्या होता है कि जब आप लोन लेते हो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अगर यूनियन गवर्नमेंट से लोन ले रही है तो एक सीमित समय के बाद जो है रीपेमेंट करना होता है इंटरेस्ट के साथ बट वॉट अबाउट ग्रांट ग्रांट होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये ग्रांट ऑर्डर किया गया है मीन्स सॉरी रिक्वेस्ट किया गया है कि उन्हें इतनी ग्रांट चाहिए तो यूनियन गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से वो पैसे चला गया स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रेशर नहीं रहता कि वापस से वो ग्रा, आ, ग्रांट जो है आ, उसको रिपे करेंगे तो लोन को रिपे करना होता है ग्रांट को रिपे नहीं करना होता है सो so, ये थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट से जो है ग्रांट ले सकते हैं ठीक है टैक्स रेवेन्यू किस किस चीज़ से देखिए टैक्स क्या होता है कि स्टेट का अपना खुद का एक टैक्स रेवेन्यू होता है हर एक राज्य सरकार में आप देखोगे कि अभी भी जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कि यहाँ पे आपका बाहर रखा गया जस्ट बिकॉज क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद एक ही चीज़ थी कि वन नेशन वन टैक्स जिसके कारण आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था और राज्य सरकार को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी उनको घाटा हो रहा था तो राज्य सरकार को घाटा ना हो इसके लिए जो मेज़र मेजर चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि पेट्रोल है डीजल है अल्कोहल है तो इन सबको जो है बाहर रखा गया जीएसटी से जिससे कि मेन रेवेन्यू क्रिएट होता है स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की आप देखो टैक्स टे, रेवेन्यू होती है यानी कि टैक्स ऑन इनकम होता है जो भी इनकम है वो यहाँ पे उनके ऊपर टैक्स देना होता है तो उससे पैसे आते हैं फिर टैक्स ऑन प्रॉपर्टी होता है कि राज्य सरकार में आप देखो कि उन राज्य में कितने प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे जो टैक्स पे, पे किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा तो उससे टैक्स यहाँ पर आपका पैसे आते हैं फिर टैक्स ऑन कॉमोडिटीज़ एंड सर्विसेज़ जो राज्य का ये डिफरेंट डिफरेंट होता है हर राज्य के अपनी कॉमोडिटीज़ और सर्विसेज़ के ऊपर जो टैक्सेस लगाई जाती है उसके ऊपर जो भी यहाँ पे पैसे आते हैं टैक्स रेवेन्यू में अगर आप देखो तो टैक्स डिवोल्यूशन भी होता है जैसे आप देखो कि फाइनेंस कमीशन अब आपको पता नहीं कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंशनड है तो फाइनेंस कमीशन जिसके तहत ये कहा गया है कि टैक्स की डिवोल्यूशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना देना है स्टेट गवर्नमेंट में कितनी देनी है टोटल जितना टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होता है तो उस हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे तो आपका डिवोल्यूशन हो गया लेकिन फर्दर सेंटर से भी आप देखो कि यहाँ पे डिवोल्यूशन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस कितनी कितनी यहाँ पे देनी है ठीक है कुछ टैक्सेस है जो कि आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल तो गवर्नमेंट उसको लगाती है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सारे राज्यों में फ़ाइन तो ये दो तरीका है यानी कि टैक्स रेवेन्यू में आपने देख लिया कि ये दो तरीका है एक तो है राज्य सरकार की अपनी खुद की टैक्स होती है उससे वो पैसा वसूलते हैं दूसरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्टेट गवर्नमेंट में तो उससे वो यहाँ पे पैसा आता है नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप देख सकते हो कि जितने पी वगैरह होते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है उससे जो डिविडेंड आता है वो यहाँ पे राज्य सरकार के अंदर जाता है साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी बहुत सारे फीस वगैरह आते हैं तो ये यह भी यहाँ पे राज्य सरकार के तहत जाता है लेकिन दीज आर कम्स अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो ओपन होता है कि ग्रांट्स यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो ग्रांट भी आप किस किस फेज में ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार को लगा कि पैसे की कमी है तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग ले और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी विदाउट एनी रीज़न वो दे देते हैं ऐसा नहीं होता एक स्पेसिफिक रीज़न होनी चाहिए जैसे आप देखो कि कुछ राज्यों में मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ जाती है या फिर आप पेंडेमिक के कारण भी देख सकते हो कि कुछ राज्यों में पैसे की बहुत कमी हो गई थी तो इस तरीके से डिजास्टर रिलीफ ग्रांट दिया जाता है और पेंडेमिक को भी डिजास्टर के तहत ही रखा गया था तो अगर किसी राज्य सरकार में ऐसा लग रहा है कि वो अपने राज्य के लोगों को खिला नहीं पा रहे हैं उनकी बेसिक कम्यूनिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे तो वो डिमांड करते हैं स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट से देन आप देखो ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायत है म्यूनसिपैलिटीज़ है तो उनके लिए भी अगर पैसे की जरूरत होती है तो उनको भी ग्रांट दिया जाता है देन रेवेन्यू डेफिजिट ग्रांट समटाइम्स आप देखो कि कुछ राज्य सरकार होते हैं जिनमें की रेवेन्यू की बहुत कमी हो जाती है डेफिजिट हो जाता है और उनकी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उस हिसाब से उनका रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो पाता है सो उस बेसिस पे भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको ग्रांट दिया जाता है तो ग्रांट तीन यहाँ पे आपका आप बेसिक हो गया एक तो हो गया डिजास्टर रिलीफ ग्रांट है कोई डिजास्टर आपदा आ गए तो सेकंड है कि लोकल मरीज को ग्रांट दी जाती है एंड थर्ड है कि यहाँ पे रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट होता है सो ये पूरी तरीके से आपका स्टैटिक पोर्शन है जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य सरकार में राज्य रेवेन्यू कैसे क्रिएट होता है अब ये इस रिपोर्ट के हाईलाइट देख लेते हैं जिससे आपको एक सच्चाई पता चलेगा सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर कंसॉलीडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अगर जब आपके पास खर्चे आप ज़्यादा करने लगो और आपके पास पैसे कम हो जाए तो इट मीन्स कि आपके पैसे में कमी हो गई डेफिसिट आ गया लेकिन ग्रॉस कहने का मतलब है कि ओवरऑल आप देख सकते हो इट मीन्स कि बजट आप देखो थ्री परसेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जी डी इज जी जीडीपी आप देखो कि एक कंट्री के अंदर जो टेरिटरी है हमारी उसके अंदर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ फिनेंशियल ईयर तो फिनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तो इसके बीच में जो भी यहाँ पे आपका गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल प्रोडक्शन हो रही है उसे हम लोग जी के तहत रखते हैं तो यहाँ पे थ्री ही कहा जा रहा है जी का है स्टेट का और वो भी ट्वेंटी ट्वेंटी का जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो यहाँ पे हमारी पैंडमिक uh, थी जो कोरोना वायरस के कारण इस समय हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है एज कम्पेरिजन टू ट्वेंटी ट्वेंटी में 2020 में आपको पता है कि संपूर्ण लॉकडाउन हो गए थे कंप्लीट लॉकडाउन उसके कारण बहुत सारे लोगों की बहुत सारे आ, इवन राज्यों में बहुत ही प्रॉब्लम की समस्या देखने को मिली थी बट इससे थोड़ा बहुत हम लोग सीख कर नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत सिचुएशन को हैंडल कर पाए जिसके वजह से आप देखो कि ग्रोथ भी हमारा सही हुआ फिर है कि यहाँ पे आप देखो बताया जा रहा है कि कंबाइंड डेट टू जीडीपी डी रेशियो स्टेट का तो इट मीन्स कि डेट टू जीडीपी डी रेशियो जीडीपी जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है उसके बेसिस पे देखा जाता है कि कितना कर्ज है तो यहाँ पे 31 परसेंट जो है एट एंड मार्च कहा जा रहा है 2021 का कि ये आपका इतना है थर्टी वन परसेंट है कंबाइंड डेट टू जीडीपी डी रेशियो ये चीज़ें ध्यान रखना है साथ ही ग्रॉस हमारा डिफिकल दे, डेफिजिट कितना है तो 3.7 परसेंट है अब यहाँ पे एक एन के सिंह कमेटी है एन के सिंह कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि 20 परसेंट लिमिट करनी है स्टेट का वो भी 2022 और 2023 तक यानी कि ये हायर देन है अभी हमारा कितना है डेट टू जी डी पी रेशियो थर्टी है जो कि बहुत ज्यादा है इसको और कम करना है क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसके बेसिस पर ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ कर्ज बहुत ज्यादा है तो कर्ज कम करना होगा तो कर्ज कम करने के लिए यहाँ पे लिमिट रखा गया है एनके सिंह कमिटी और एनके सिंह कमेटी जो है आपका यहाँ पे फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन एनके सिंह तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं इसको कम कीजिए ट्वेंटी परसेंट लिमिट यहाँ पे होना चाहिए नेक्स्ट ईयर तक उसके बाद अगर इंटरेस्ट पेमेंट का जो रेशियो है रेवेन्यू रिसिप्ट का ये भी बड़ा है और स्टीडी बेस से बड़ा है लास्ट फ्यू इयर्स में तो ये भी एक सही बात है मार्केट बॉरोविंग आप देखो कि मार्केट से बोरोविंग कितना किया जा रहा है तो एट एट द इन 2022 में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 63 परसेंट है इट मींस कि राज्य सरकार हो वो मार्केट से बहुत ज़्यादा बॉरोविंग कर रही है तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है साथ ही अगर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स का अगर शेयर देखें जो बैंकों से लोन लिया जाता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और पब्लिक अकाउंट से जो लोन लिया जाता है टोटल आउट स्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट ये यहाँ पर डिक्लाइन हो गया है इट मीन्स की अच्छी बात है लोग जितना कम लोन ले रहे हैं उतना बेटर है लोन ज़्यादा लिया जाता है तो बैंकों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है क्योंकि लोन ज्यादा ले रहे हैं लोग लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइम पर क्योंकि अभी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत कष्टदायक है जैसे आप जान रहे हो कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्थिति उतनी बेटर नहीं है आफ्टर पेंडेमिक तो इसलिए यहाँ पे जितने लोग लोन ले चुके हैं ऑलरेडी वो यहाँ पे रिपेमेंट नहीं कर पा रहे जिसके कारण आप देखो एन की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इट मीनस कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता जा रहा है बैलेंस शीट जो यहाँ पे बैंकों की है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी है तो इसलिए ये बेटर है कि अगर लोग लोन नहीं ले रहे हैं तो ये एक बेटर साइन है 15 टू 25 परसेंट आप देखो रेवेन्यू लॉस हो चुका है लोकल अथॉरिटीज़ के फाइनेंस का तो यहाँ पे जो है बहुत सारा रेवेन्यू लॉस भी हुआ एक तो जीएसटी थी उसके ऊपर यहाँ पे पैंडमिक था तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा ओके बट अब ये समझते हैं कि अगर स्ट्रॉग स्टेट रेवेन्यू होता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है एक राज्य सरकार के पास अगर रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी होती है यानी कि जो सोर्सेज है वो सही होती है ओपनली होती है तो इससे क्या इंपॉर्टेंट होता है देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप देखो कि अगर आ, सरकार के पास पैसे होते हैं तो सरकार हर तरीके का काम कर पाती है हर एक स्कीम्स में जो है सही तरीके से पैसे एलोकेट कर पाते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर कर पाते हैं कैपिटल ये स्पेंडिंग इनफैक्ट जो है वो यहाँ पर रख पाते हैं कि सही तरीके से वो खर्च कर पाते हैं पैसे है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाता है पैसे की कमी के कारण ही आप देखो बहुत सारे राज्य सरकार जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं उनको लगता है कि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली स्कीम में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहे साथ ही ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ सही तरीके से हो पाता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार के पास पैसे आए सरकार के पास पैसे आएंगे तो फिर वो सरकार जो है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे और जो डेट सस्टेनेबिलिटी है ये इंश्योर हो पाता है देखिए कर्ज रखना ये बुरी बात नहीं है लेकिन कर्ज को कम करना ये सबसे बड़ी बात होती है कर्ज़ बढ़ाना बुरी बात हो जाती है तो डेट जो है वो बढ़ते ही जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो आ, अगर पैसे हो रेवेन्यू कलेक्शन सही हो रहा है तो इट मीन्स कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ वो जो राज्य सरकार है वो अपनी खर्चे को और जो उनका डेट है कर्जा है वो उसको चुकता कर सकते हैं तो ये एक बेटर साइन होता है फ़ाइन अब देखते हैं रीजंस क्या है बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस में शॉर्टफॉल हो रही है तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप देखो कि शॉर्टफॉल हो गया है कोविड 19 लॉकडाउन के कारण जो है सारी चीज़ें बंद थी इवन सारे लोग अपने घर पे बंद थे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई बहुत सारे लोगों की सैलरी कट हो गई बहुत सारे लोगों की तो जीवन ही अस्त व्यस्त हो गई बहुत सारे लोगों की जान ही चली गई तो इसके कारण आप देखो कि टैक्स कलेक्शन में बहुत सडन शॉर्टफॉल हुआ है देन रिडक्शन हुई है यूनाइटेड ये जो आपका यूनाइटेड फंड है अनटाइट फंड है सेंट्रल जो ट्रांसफर करती है स्टेट को उसमें भी डिडक्शन हुई है जैसे कि आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को पैसे वगैरह देते तो ये भी नहीं हो पाया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे सडन बढ़ चुके थे और उनका भी ये कहना था कि उनके पास टू द मार्क नहीं है पैसे कि वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पैसे शेयर करें फिर आप देखो सेस और सरचार्ज जो है वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में बढ़ता गया सेस और सरचार्ज क्या होता है देखिए सबसे बड़ी बात है कि सेस और सरचार्ज इन दोनों का जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनको लिवाई करने का भी है और इनको जो है अपना खर्च करने का भी है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ फाइन अब सेस होता है कि यहाँ पर आप एक स्पेशल पर्पज़ के लिए टैक्स मान लीजिए एजुकेशन टैक्स है स्वच्छ भारत अभियान टैक्स है उसके बाद हेल्थ टैक्स है तो ये एक दो परसेंट आपको देना होता है ठीक है और ये इसी परपज़ के लिए ही खर्च होती है नेक्स्ट है सरचार्ज सरचार्ज कहने का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स जैसे कि आपने अगर कहीं होटल में खाया वहाँ पर आप सर्विस टैक्स देते हो तो अगर सरचार्ज होगा तो आपको दो परसेंट तीन परसेंट जितना अलॉटेड होगा उतना आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा तो ये दोनों जो है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था लास्ट ईयर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक बेटर ऑप्शन होता है सेस और सरचार्ज लगाने का तो ये हर एक सिटीजन का मैंडेट्री होता है कि उनको पे करना ही होता है तो इस हिसाब से उनके पास पैसे आ रहे थे साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर लोअर था इस्टेट के द्वारा कि राज्य जो है वो खर्च नहीं कर पा रहे थे उनके पास पैसे नहीं थे तो ये भी सडन शॉर्टफॉल है साथ ही पॉपुलिस्ट प्रोग्राम जो है जैसे कि आप देखो कि फार्म लोन वेवर वगैरह है आप देखते हो कि ये चीज़ें बहुत प्रचलित है कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो फेवर के लिए वोट बैंक के लिए क्या करते हैं कि जो फार्मर्स की लोन होती है उसको माफ़ कर देते हैं फार्मर्स की लोन माफ़ कर देते हैं जस्ट वो अपना फेवर पाने के लिए या वोट बैंक लेने के लिए वोट लेने के लिए लेकिन उसके पीछे आप देखो हमारी इकॉनॉमिक का बहुत बड़ा लॉस होता है एक बहुत बड़ी लॉस है हमारी बैंकों को बहुत बड़ा लॉस होता है हमारी इकोनॉमिक सेटबैक हो सकती है इस तरीके के स्टेप से बट यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता है ये पॉलिटिशियन को वो क्या करते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का काम करते हैं ठीक है तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है और नुकसान देखने को मिला भी है स्टेट को साथ आप देखो कि यहाँ पे टिपिट परफॉर्मेंस यानी कि पावर जो है डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स का वो भी यहां पे आप देखो कि सही तरीके से यहाँ परफॉर्मेंस सही नहीं है यानी कि जो डेट है जैसे आप देखो कि आ, बैंकों का डेट है साथ ही फिनंशल इंस्टीट्यूशन का डेट है साथ ही स्टेट का डेट है तो उसकी जो यहाँ पे आ, पावर है कि सारे डेट को कम करना ये भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है रेवेन्यू आउट ऑटोनॉमी जो है स्टेट की वो श्रिंक हो गई है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जी तो बहुत कम एरिया बहुत कम स्कोप बचा है जैसे अल्कोहल है आपका पेट्रोलियम है ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वो अपना टैक्स लगाते हैं बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोनॉमी अपनी स्वतंत्रता गायब हो चुकी है स्टेट के पास से तो इसलिए भी आप देखो कि यहाँ पे शॉर्टफॉल है लो टैक्स बाईनसी है यानी कि टैक्स जो है पहले जितना लगाया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो उतनी अब यहाँ पे फ्रीडम नहीं रही उतनी यहाँ पे पावर नहीं रही जिसके कारण भी शॉर्टफॉल है सो दीज आर द रीजन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना जो कि आप प्रेलिम्स हो या मीस uh, हो या फिर इंटरव्यू हो इसमें आप लोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अदर ट्रेंड्स कहा जा रहा है कि हम लोग देख कि स्टेट फाइनेंस का क्या है तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ते ही जा रहा है जैसे आप देखो फोर है इंक्रीज है एग्रीगेट पब्लिक डेट का यानी कि राज्यों में आप देख सकते हो कि जो पब्लिक डेट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है स्टेट का अपना ही टैक्स रेवेन्यू है जो कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये भी एक बात है साथ ही अगर हम लोग देखें लोअर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हुआ है जीडीपी का आप अगर देखोगे तो 0.2 ही परसेंट हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स इस बार कम कलेक्ट हुआ है तो ये सारी यहाँ पे फीचर्स बताई गई है रीजंस है यहाँ पे अब ये समझते हैं कि स्टेप्स क्या लिया गया है सेंटर के द्वारा और आर के द्वारा कि इस तरीके से राज्य सरकार की जो रेवेन्यू कलेक्शन कम हुई है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोविंग स्पेस लाया गया पहले क्या था कि थ्री परसेंट जो राज्यों की जी होती थी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका थ्री परसेंट जो है यहाँ पे आपका बोरो करने का रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को परमिट की थी कि उनका फिजिकल डेफिसिट लिमिट जो है वो थ्री होना चाहिए लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर फाइव कर दिया गया मीन्स कि फाइव परसेंट तक उनका डेफिसिट हो सकता है ठीक है साथ ही आप देखो कि दो परसेंट जो इंक्रीज़ किया गया है इसमें आपका वन परसेंट जो इंक्रीज किया गया है वो कम्पलीशन ऑफ रिफॉर्म है चार एरिया में पहला तो है जो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जा रही है कि अगर किसी लोग के पास एक राशन कार्ड है मान लीजिए एक स्टेट का मान लीजिए तेलंगाना का और उनको जाना है जम्मू एंड कश्मीर तो वो अब जम्मू एंड कश्मीर जाके नया राशन कार्ड नहीं बनाएंगे हमारे देश के किसी कोने में भी अगर एक राशन कार्ड है तो वो दूसरे कोने में भी जाते हैं तो उनको उसी राशन कार्ड के बेसिस में पी के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाएगा सेकेंड है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिज़नेस के लिए ऐसा स्कोप रखना है कि एकदम इको फ्रेंडली हो लोग जो है बेटर तरीके से अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सके और आप देखते हो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट भी है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये आपका पब्लिश किया जाता है और उसमें आप देखो कि रैंकिंग होती है हर एक स्टेट की कि किस तरीके से वो काम करते हैं साथ ही हमारे देश की भी रैंकिंग होती है तो अर्बन लोकल बॉडी पे भी ध्यान देना है कि जो अर्बन लोकल बॉडी है म्यूनसिपैलिटीज़ है वो भी सही तरीके से काम करे उन पर भी ध्यान देना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन आज के डेट में आप देखो जो डिस्कॉम कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज डेट में जा चुकी है यानी कि कर्ज इतना ज़्यादा है कि सही तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देना है तो ये चार एरिया है जहाँ पर ध्यान देना है तो इसके लिए आपका एक परसेंट रेज किया गया है कि चलो ठीक है फिस्कल डेफिसिट ये आपका माफ़ है स्पेशल असिस्टेंस दिया गया है स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यानी कि इस स्कीम के अंदर आप देखो कि स्टेट को यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ तक का जो कि यहाँ पे आपका रीपेड करने की बात की गई है कि ठीक है फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ तक का आपको लोन दिया गया है इसको आप पे करोगे पचास साल के बाद तो इतनी बड़ी अवधि दी गई है एक लॉन्ग आप देख सकते हो कि पीरियड दिया गया है राज्य सरकार को कि आप अपना पे करते रहना इतना डेट हेल्थ सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी एट्टी थाउजेंड तक का यह आपका रिलीज़ किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो कि ग्रांट दिया गया है तो हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि पैंडेमिक में आप देखो कि बहुत सारे राज्य सरकार के तहत भी आप देखो स्टेट की हालत बहुत ख़राब थी कहीं बेड नहीं था कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है कहीं वैक्सीन नहीं है इंजेक्शन नहीं है तो हर एक तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर राज्य सरकार को जूझना पड़ा तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है इसके तहत एटी करोड़ तक का यहाँ पर ग्रांट दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को साथ ही आरबीआई बी की मेजर्स है कि रिलैक्सेशन दी गई यानी कि ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है इसके अवेलमेंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने अपना अकाउंट ओपन कराया अकाउंट में आपका जीरो बैलेंस है लेकिन आपको अगर अर्जेंट नीड के लिए फाइव अगर फाइव हंड्रेड अगर विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो यानी कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है तो यानी आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप उतनी पैसे जैसे दस हज़ार तक का लिमिट रहता है आप दस हज़ार जो है तीन महीने में या छः सिक्स मंथ होते हैं तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो लेकिन इसके बाद आपको कुछ सर्टन टाइम लिमिट दी जाती है कि अगेन आप अपने जो है जितना भी पैसा आपने यूज़ किया मान लीजिए फाइव थाउजेंड ही आपने यूज़ किया तो उसको फिर से डिपॉजिट करना होगा तो ये होता है ओवर लिमिट यानी कि यहाँ पर आर के द्वारा ये हेल्प दी जाती है लोगों को कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप लोग इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको फिर से अपने अकाउंट में इसको डिपॉजिट करना होगा साथ ही वेज एंड मीन्स एडवांसस लिमिट है जो कि स्टेट को यहां पे इन्हेंस किया गया है कि अ वेज एंड मीन्स एडवांसस में अगर हम लोग देखें तो यहां पे आरबीआई के द्वारा जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसे की कमी होती है तो हमने देखा कि वो राज्य सरकार सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट के फॉर्म में मांग लेते हैं बट अगर आप देखो कि सर्डन मिसमैच हो जाए जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट है तो उसको बैलेंस करने के लिए राज्य सरकार के पास एक और ऑप्शन होता है कि आर से वो पैसे ले लेते हैं ठीक है तो ये वेज़ एंड मीन्स लिमिट होता है बैंकों के द्वारा भी देखो आर के द्वारा एक लिमिट लगाया गया है कि राज्यों को कितना यहाँ पर लोन देना है लोन भी नहीं दिया जाता ये पैसे दिया जाता है जिसको बाद में चुकता करना होता है ठीक है तो ये कितना होता है तो ये लिमिट भी अभी बढ़ाया

तो कितना खर्चा हुआ बाहर के कंट्री उसको ख़रीदने में कितना हमें हमें जो है वो पे कर रहे हैं तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन uh, देखने को मिलता है समटाइम्स आप देखो जैसे लॉकडाउन लग गई तो हमारे एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सब खत्म हो गए तो उस समय हमारी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत डिस्टर्ब हो गई थी साथ ही शॉर्टफॉल है अगर हमारी एक्सपोर्ट सही तरीके से नहीं हो रही है एक्सपोर्ट नहीं होने का कुछ रीज़न है जैसे कि प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाया हमारी ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है तो इस कारण हमारी एक्सपोर्ट शॉर्टफॉल हो जाती है साथ ही रैपिड इंक्रीज़ है हमारे यहाँ अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जा रही है तो सबसे ज़्यादा बात बड़ी बात ये आती है कि जितने भी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे ही देश के लोगों को खिलाने की बात होती है कि पहले हमारे देश के लोगों की पेट भर जाए उसके बाद ही हम लोग एक्सपोर्ट करें तो जो फूड प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है साथ ही स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है इकॉनमी में कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं तो उसके कारण भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है साथ ही आप देखो कि नेचुरल कैलामिटीज़ है कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ गए चाहे वो फ्लड आ गई या फिर आप देखो कि सूखा पड़ गया अर्थ क्वैक आ गए तो इस कारण भी आप देखो कि कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इफ़ेक्ट होता है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट भी होती है कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ जो, आ, पैसे जो है जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है उस हिसाब से भी हमारे जो है पैसे आ, आ, देश से बाहर जाते हैं आते हैं अब देखते हैं कि इन केस ऑफ डेफिसिट जैसे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर इसमें डेफिसिट हो गया इट मीन्स कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारी रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रही है तो इसमें क्या होगा तो शॉर्ट टर्म होगा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग बोरो ही करेंगे ठीक है और एज यू नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो हमारे देश में ही बोरो कर ले या तो वो बाहर से भी बोरो करें साथ ही हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होगा शॉर्टफॉल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा कि इन्फ्लेशन आएगा ठीक है जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो अगर हम लोग खर्चे करते ही जा रहे हैं और पैसे नहीं है मान लीजिए पैसे आते भी जा रहे हैं तो क्या होगा कि मार्केट में महंगाई आ जाएगी साथ ही लोअर स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग होगी अगर इन्फ्लेशन आ गया महंगाई हो गई तो ऑब्वियसली लोग कुछ भी खरीदेंगे तो महंगाई खरीदेंगे तो लोगों के पास जो है एक तो वो खरीदना नहीं चाहेंगे और दूसरी बात है कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है पैसे ज़्यादा खर्च होंगे तो कम हो जाएंगे इन केस ऑफ सरप्लस की अगर हम लोग बात करें तो अगर पैसे हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा साथ ही इंप्लॉयमेंट ज़्यादा होगा जब हमारे देश में पैसे आएंगे तो क्या होगा कि हाँ सही बात है कि हम लोग अपने देश में रहने वाले जितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है आज के डेट में उनको हम लोग पैसा दे पाएंगे और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस कर पाएंगे प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्चे कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग होगी चीज़ें है कि नहीं लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि कंट्री जो है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ जैसा जैसे आज के डेट में चाइना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते तो एक दिन हमारा भी आएगा कि हम लोग भी एक्सपोर्ट करेंगे जब हमारे पास भी पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो ये दो एक तरीका यहाँ पे बताया गया है कि इनकेस अगर डेफिसिट हो जाए तो क्या करना होगा इनकेस अगर सरप्लस हो जाए तो क्या करना होगा ठीक है तो ये हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट डिकोड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर आपका समझाया गया है नेक्स्ट आते हैं जी सेक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर तो रिसेंटली आर के द्वारा अलाउ किया गया है कि स्मॉल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब यहाँ पे जी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है जो छोटे छोटे दुकान होते हैं अब उनको भी यहाँ पे हक दे दिया गया है कि वो अपनी गिल्ट अकाउंट को ओपन करे और उसके बाद जो है यहाँ पे आर की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके थ्रू वो डायरेक्टली जो है यहाँ पर आपको जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे समझते हैं कि जी सेक एंड वॉट इज़ गिल्ट अकाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन शॉर्ट प्यार से जी सेक बोलते ये एक ट्रेडिबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो ये जी सेक दोनों के द्वारा इसको इशू किया जाता है बेस्ट ऑन द टाइम पीरियड जी सेक जो है दो तरीके का होता है ये आपका यहाँ पर बताया गया है तो इसे हम लोग देख लेते हैं एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट भी तो दो तरीके का होता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल है जो कि यहाँ पे आपका ओरिजिनल मेच्योरिटी एक साल से कम होता है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है दिस इज़ नॉट ट्रेजरी बिल दिस इज़ अ डेटेड जी सेक ठीक है तो डेटेड यहाँ पे जी सेक होता है जिसमें कि आपका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से ज़्यादा होता है तो अगर शॉर्ट टर्म में करना एक, एक, एक साल से कम का तो टी बिल होती है एंड वॉट इज़ टी बिल्स ट्रेजरी बिल ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है और इसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और आज के डेट में आप अगर टीबिल इशू करते हो तो 91 डेज का भी ऑप्शन है देन 182 डेज का एंड देन 364 डेज का तो देर आर थ्री ऑप्शन कम्स अंडर द टीबेल केवल आपका जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ है इसमें आपका कूपन की ज़रूरत नहीं होती है और साथ ही आपको इसमें कोई भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है सो दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिट इन्वेस्टमेंट टर्म एंड देन इसके अलावा आप देखो कि ये आपका डिस्काउंट में भी इसको इशू कराया जाता है और साथ ही साथ ये रिडीम्ड होता है इट मीन्स कि मेच्योरिटी के टाइम में जितना फेस वैल्यू में आपने इसको परचेज़ किया है अगर नाइन्टी वन डेज के बाद भी आपको यहाँ पे उतनी ही बेचना है तो आप उतने ही में यहाँ पे आप बेच सकते हो नाइन्टी वन में अगर आपने किया तो ये रिडीम भी फेस वैल्यू में ही होगा इट मीनस के पेपर के ऊपर जितना रुपीस दिखा है उतने में ही आपको रिडीम करना होगा ठीक है तो ये हो गई डेटेड जी से देखिए यही चीज़ है डेटेड जी से कि यहाँ पर आपका टी बिल है ये आपका मिसप्रिंट है इसको ध्यान दीजिएगा तो डेटेड जी से जो कि सिक्योरिटीज़ है जिसमें कि कुछ फिक्स्ड होते हैं और फ्लोटिंग कूपन भी होता है फिक्स्ड कूपन है यानी कि हाँ आज दस साल के बाद भी आप अगर इसको रिपे करते हो यानी कि यहाँ पे आप अगर खरीद भी लेते हो आ, बेच भी देते हो तो उतने ही में आपको करना होगा ठीक है फिक्स्ड है लेकिन फ्लोटिंग कूपन है मान लीजिए कि 2022 में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फोर परसेंट है और वही अगर आप ट्वेंटी में इसको बेचना चाहते हो तो उस समय का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फोर्टीन होगा तो फ्लोटिंग जो कूपन है वो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते घाते रहता है साथ ही टेनओर अगर हम लोग डेटेड जी सै का देखें तो ये पाँच साल से चालीस साल तक का भी होता है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका तो ये आप क्राइटेरिया समझ गए जीसे का कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके पास दोनों अधिकार है कि आप टी बिल भी इसको इशू कर सकते हैं साथ ही बॉन्ड भी साथ ही डेटेड सिक्योरिटीज़ भी बट रा, बट राज्य सरकार के पास इतना ज़्यादा अधिकार नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास आप देखो कि ये सिर्फ बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज़ ही ये इशू कर सकते हैं जिसको कि हम लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं टी बिल इशू करने का अधिकार यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है ये चीज़ें ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको इशू करते हैं साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट होता है एक गिल्ट अकाउंट ओपन करना होता है अगर आप लोगों को जी सेक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो और किसी भी पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है कोई एनटिटी के द्वारा भी लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर आपको ओपन करना होता है इन केस मान लीजिए कि जो इंसान है अगर वो गिल्ट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और वो इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर रह रहे तो जो भी ऑपरे यहाँ पर आपका एक्टिविटीज़ हो रहा है गिल्ट अकाउंट में वो यहाँ पे फेमा के द्वारा गवर्न किया जाएगा यानी कि हमारे यहाँ एक प्रॉपर कानून है जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टू थाउजेंड कहते हैं इस कानून के तहत क्या होता है कि जो भी गिल्ट अकाउंट है यानी कि अगर आप यहाँ पर जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है वो इस कानून के बेसिस पर ही चलता है ठीक है साथ ही आप देखते हैं कि जीसेक में इन्वेस्टमेंट पे हमेशा इतना फोकस क्यों किया जाता है अब छोटे छोटे दुकान को भी इतना फ़ायदा क्यों देने की बात की जा रही है कि आप जो रिटेल शॉप है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छी बातें होगी जीसेक पे तभी तो देखिए जीसेक को जो बेचा जाता है वो ईजिली सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं और यहाँ पर कैश की रिक्वायरमेंट होती है साथ ही ये कोलाट्रल जैसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को फंड वगैरह भी अगर मार्केट से आपको बोरो करना है तो कोलेट्रल जैसा भी आप लोग जो है जीसेक को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ अट्रैक्टिव यील्ड्स अगर हम लोग जी सेक से देखें तो देखिए एस है जैसे कि आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह है स्पेशल सिक्योरिटीज़ होता है ऑयल बॉन्ड होते हैं उदय बॉन्ड होता है तो ये भी सारे बॉन्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं साथ ही आर को भी हेल्प हो पाता है कि वो अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सके ओपन मार्केट ऑपरेशन है ओ ओ एम ओ इसे कहते हैं जहाँ पे जी की सेल एंड परचेज होती है तो इससे क्या होता है कि जब आर के पास पैसे कम होते हैं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका जी को परचेज किया जाता है तो पैसे आते हैं बेचा जाता है तो यहाँ परचेज़ किया जाता है तो पैसे जाते हैं बेचा जाता तो है तो परचेज पैसे आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आर की भी लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन होते रहती है साथ ही मैक्सिमम यहाँ पे सेफ्टी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इट मींस कि जीसेक में इन्वेस्टमेंट से आप देखो कि आपको ह्यूज लॉस तो कभी नहीं होने वाला है साथ ही रिस्क फ्री है इन्वेस्टर फ्रेंडली सेटलमेंट सिस्टम है जो कि यहाँ पे आपका एक सिस्टम है जैसे डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम कहते हैं तो उसी यूज के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है साथ ही फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट भी है ना एक कोई भी अगर पर्सन है जैसे एज अ मी मैं हूँ तो मुझे भी यहाँ पे जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है जितने दिन का इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी मैं कर सकती हूँ तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं और एकदम से यहाँ पे आप देखो कि सिटीजन सेंट्रिक है तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर बेनिफिट कही जाती है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जी में कर सकते हो फाइन अब यहाँ पे आप देखो कि मेजर रिस्क क्या क्या यहाँ पे जी में है ऐसा तो है नहीं कि एकदम रिस्क फ्री है जीरो रिस्क है कुछ कुछ तो रिस्क है जैसे लिक्विडिटी रिस्क है अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स जो है वो बेच नहीं पा रहे अपनी होल्डिंग क्योंकि कोई बायर्स कोई खरीदने वाला ही मार्केट में नहीं हो आज के डेट में आप खरीद लो कल को आपको लगे कि पाँच साल के बाद बेचना है या फिर शॉर्ट टर्म वाला भी बेचना है और कोई खरीदने वाला नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क है कि वो तो पूरा खत्म हो जाएगा मार्केट रिस्क है क्योंकि आप देखो कि जो प्राइसेस होती है सिक्योरिटीज़ की वो भी यहाँ पे बढ़ते घटते रहती है तो जो यहाँ पे प्राइसेस का मूवमेंट है वो अगर एडवर्स हो जाए तो यहाँ पे मार्केट रिस्क भी क्रिएट हो जाता है साथ ही री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है जैसे कि कैश फ्लो हो रहा है ऑन ए जी सेक इसमें आपका देखिए हर एक हाफ ईयर में कूपन होता है रीपेमेंट करना होता है प्रिंसिपल में जितने अमाउंट में आपने परचेज़ किया है उसमें जितना भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको रीपेमेंट करना होता है तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है कि अगर आप लोग फिर से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अब इसी के साथ यहाँ पे बॉन्ड एल्ड का डिकोडेट किया गया है देखिए जितना ज़्यादा बॉन्ड आपका सेल होगा उसी ज़्यादा आपका जो है एल्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देखो कि कैन इंक्रीज़ ड्यू टू बॉन्ड इल्ड अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्योंकि बॉन्ड की प्राइस अगर कम होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करते हैं तो बॉन्ड इल्ड यहाँ पे आपका जो है ये बढ़ जाता है साथ ही आप देखो कि इंटरेस्ट रेट और जो कूपन रेट है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर तो और उसके आ, अलावा आप देखो इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पर देखा जा रहा है और राइज इन इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है तो भी आपका यहाँ पर जो है बॉन्ड एल्ड आपका जो है इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये सब कुछ यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स बताए गए है कि बॉन्ड एल्ड जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके क्या क्या यहाँ पे रीज़न है क्यों इंक्रीज़ होता है तो सबसे पहले बॉन्ड की अगर प्राइस फॉल हो रही है या फिर आप देखो कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट का और कूपन रेट इंक्रीज़ हो रहा है और इकोनॉमिक रिकवरी बेटर तरीके से हो पा रही है साथ ही इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो रही है ठीक है इससे क्या होगा इससे होगा कि मार्केट uh, में जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो अनअट्रैक्टिव हो जाती है जब प्राइस घट जाता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो कोई भी नहीं जाता है खरीदना ठीक है इंटरेस्ट रेट घट जाए वो बेटर है ना क्योंकि आपको अल्टीमेटली ज़्यादा देना पड़ेगा आप कम में खर्च करो फिर ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या ही यहाँ पर वाइसफुल स्टेप नहीं होता साथ ही राइज़ इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल का जो कॉस्ट है वो भी अगर बढ़ जा रहा है या फिर राइज इन वॉलेटिलिटी ऑफ द इकॉनमी इकॉनमी में आप देखो कि जैसे आप आप अनियन का ही प्राइस देख लो अभी आप सेप्टेम्बर आने ही वाला है आएगा ही तो उसमें भी आप देखो कि कितना ज़्यादा ये फिर आपका जो है वो वॉलेटाइल हो जाएगा तो सामान की कॉमोडिटीज़ की भी जो प्राइस है वो भी फिक्स नहीं होती है काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है जिसमें हमारी इकॉनमी में वॉलटाइल हो जाता है कि ये एक चीज़ बॉन्ड मार्केट में भी आप देखो कि बॉन्ड की जो प्राइस है ना वो हमेशा आपको एक नहीं देखने को मिलता है इंटरेस्ट भी जो है वो फ्लोटिंग रेट में ज़्यादा चलता है तो उसमें भी आपको जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती ही है सो ये सारी बातें अब देखते हैं ऑपरेशन मैकेनिज्म क्या है जी से क इंडिया में तो जी सेक को इशू कौन करती है तो सबसे पहले इशू करने वाले जो अथॉरिटी है वो आर ही है आर बी आई यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इशू करते हैं बॉन्ड को साथ ही इशूइंग प्लेटफॉर्म क्या है कहाँ कहाँ आपको जो है जी सेक आपको मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ई e कुबेर है कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है आर का वो भी जी सेक ऑप्शन के लिए कि यहाँ पे ऑप्शन होता है नीलामी होती है साथ ही सारे जो नॉन ई e कुबेर मेंबर हैं जिसमें कि आपका नॉन स्कीड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे ये यह भी बात है क्लियरिंग एजेंसी कौन है तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि सेंट्रल काउंटर पार्टी जैसा काम करते हैं यानी कि ये सेलर भी है ये बेचते भी है बायर्स को और बायर्स भी है जो कि सेलर्स को सेलर से खरीदते भी है तो बेचते भी है खरीदते भी है ये दोनों काम यहाँ पर आपका सी के द्वारा किया जाता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ठीक है तो ये ऑपरेशनल मैकेनिज्म है कि आपका जी से कोई इशू कौन करेगा तो आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करते हैं प्लेटफॉर्म क्या है ईकोबेर है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्लियरिंग एजेंसी कौन है तो सी सी आई एल है ठीक है ये तीन बातें याद रखनी है अब रिसेंट इनिशिएटिव देखते हैं कि जी को लेकर क्या क्या यहाँ इनिशिएटिव आया और इसका क्या इम्पैक्ट है पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा या क्या इम्पैक्ट है ये देखते हैं अभी तो आप देखो कि आर की रिटेल डिटेल, डिटेल डायरेक्ट स्कीम आई है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है कि अगर यहाँ पे दुकान वाले हैं शॉप वाले हैं तो वो अपनी अलग से अगर इंडिविजुअली वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी में तो वो कर सकते हैं ठीक है जी में आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह है लॉ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड भी है कोई भी फ़ी यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा जो भी सर्विस इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए कोई फी चार्ज नहीं किया जाएगा इसका क्या इंपैक्ट है इसका ये होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे अब इंडिविजुअल को हक दे दिया गया है तो ऑब्वियसली बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं और जीसेक जैसे चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल ही बेटर ऑप्शन है तो यहाँ पर ऑब्वियसली कि हमारा जो इन्वेस्टर्स बेस है वो ब्रॉड हो जाएगा साथ ही फिनेशियलाइज हो पाएगी हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स यानी कि हमारे देश में जो भी सेविंग्स है वो भी सही तरीके से उसको हम लोग सही तरीके से यूज कर पाएंगे साथ ही आप देखो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम है जी है जी सैप का एम है कि यहाँ पे जी को खरीदना जिसमें कि वन लाख करोड़ तक का इसका प्राइस है वो भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022. तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब होगा तो अप्रैल में स्टार्ट हुआ है अप्रैल मई जून ठीक है ये फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें कि सरकार की यहाँ पे एम है कि वन लाख करोड़ तक का यहाँ पे हमारा जो है जी को आपका परचेज़ कर लेना है ठीक है इससे क्या होगा कि इससे बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जी को अगर परचेस किया जाएगा तो हमारे देश में पैसे ज़्यादा आएंगे फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो पाएगी साथ ही हमारी बॉन्ड एल्ड जो है वो कम हो पाएगा तो ये ये इससे फायदा है साथ ही लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी है एल भी आया था आर के साथ जिसमें एक साल से तीन साल तक का यहाँ पर मनी जो है बैंकों को प्रोवाइड किया जाएगा और जो रेपो रेट है उसमें ठीक है साथ ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को भी यहाँ पर आपका एज ए कोलेट्रल जो है इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा तो ये एक अच्छा है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है कि रेपो रेट में जो है एक से तीन साल तक का यहाँ पे मनी जो है बैंकों को प्रिवेल किया जाएगा और साथ ही साथ अगर जिसको यहाँ पे जिस में आ, जैसे आपका जो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको भी एक्सेप्ट जाएगा और वो भी यहाँ पे आपका कोलेट्रल जैसा तो इससे क्या होगा कि आप देखो कि लॉन्गर ड्यूरेशन फंड जो है बैंक होगा सबसे पहले आज के डेट में क्या है कि बैंकों को पैसे की कमी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एनपीए तो एनपी रेशियो बढ़ते जा रहा है बैंकों की परफॉर्मेंस डाउन होते जा रही है बैंकों के पास पैसे कम होते जा रहे हैं बैंकों की वॉट लग रही है तो बैंकों को पैसे की जो जरूरत है वो पैसे यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यहाँ पे आपका जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ के द्वारा जो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए एल यूज़ किया जाता है बैंकों के द्वारा उसके द्वारा यहाँ पे पैसे आएंगे ठीक है एक से एक साल और तीन साल जो है यहाँ पे बैंकों के पास एक इंटरेस्ट रेट होगा जो कि ओवरनाइट जो रेपो होता है ना जिसमें कि बैंक जो है पैसे यहाँ पे लेते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका एक से तीन साल भी रहेगा ठीक है ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था ट्विस्ट मतलब आप जानते हो चेंज करना इस तरीके से तो आर बी आई इसके द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था और इसका एम यही है कि लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड एल्ड है उसको कम करना इसमें क्या इन्वर्स रिलेशनशिप होगा बॉन्ड प्राइस और इल्ड का अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो इल्ड कम हो रहा है अगर बॉन्ड प्राइस डाउन हो रहा है तो इल्ड बढ़ रहा है तो इस तरीके का एक उल्टा रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है तो जब यहाँ पे यह ऐसा होता है तो बॉन्ड परचेज़ जो आर के द्वारा होता है तो अगर आर बॉन्ड को परचेज कर रही है ना तो इसको इससे प्राइस बढ़ जाती है ठीक है मान लीजिए कि आर के पास कोई ऑप्शन नहीं है अब ये बॉन्ड परचेज करेंगे सेकेंडरी मार्केट से तो इससे क्या होगा इससे ऑब्वियसली है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा महंगा हो जाएगा और जो बॉन्ड की इल्ड है वो कम हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि जो लॉन्ग टर्म इल्ड है वो कम हो जाएगा इसका इम्पैक्ट यही है कि बॉन्ड की इल्ड कम हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि लोअर लॉन्गर टर्म जो इल्ड है वो यहाँ पे लेस डिज़ायरेबल जो है उसको सेव करेगा क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो पाएगी लोन वगैरह मिलेगा घर के लिए गाड़ियों के लिए जो कि सस्ते लोन मिल जाएंगे तो ऑपरेशन ट्विस्ट से यही होगा कि मान लीजिए कि आर बी कर रही है तो इसमें आ, जो बॉन्ड का प्राइस है वो भाग जाएगा एल्ड कम हो जाएगा तो इसके कारण आप देखो कि अच्छा है एक ये एक अच्छी बात होती है हम जैसे इंडिविजुअल्स इन, के लिए जिससे कि अगर लोन वगैरह लेना है तो लोन सस्ता हो जाता है इस टाइम पर ठीक है अब यहाँ पे रिलेटेड न्यूज देखिए जी सेक जी सेक क्या है कि सुन ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस तो इन ग्लोबल बॉन्ड जो इंडाइसिस है उसको जी सेक अब ज्वाइन करने वाला है तो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है गवर्नमेंट बॉन्ड है पूरे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिसका मेच्योटी टाइम जो है वो एक साथ से ज़्यादा होता है जी कि अगर बात करें तो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है और जी में आप देखो प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं होता डिफ़ॉल्ट करने का इसलिए इसको हम लोग रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये आपका रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसको कहते हैं तो ये जी को कहते हैं फ़ाइन तो ये ध्यान रखना है अब देखिए अगर हमारी जो जी सेक है अगर वो यहाँ पे गोल्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिसज को ज्वाइन करती है तो इससे क्या फ़ायदा है सबसे पहले तो हमारे यहाँ फॉरेन इनफ्लो ज़्यादा होगा डेट मार्केट में हमारी जो प्रेशर है कमर्शियल बैंक के ऊपर वो कम हो पाएगा और साथ ही साथ आप देखो कि हमारे जो यहाँ पे आ, इंडियन जो रुपी है उस वो स्ट्रेथेंथ हो पाएगी स्टेबिलिटी हो पाएगी इंडियन रुपय क्योंकि आप देखो जो डॉलर के कंपैरिजन में हमारी रुपयी वीक होते जा रही है जिसके कारण आप देखोग लगातार प्रॉब्लम ही आ रही है साथ ही इससे क्या होगा कि सरकार को अपने मार्केट बर्विंग प्रोग्राम में हेल्प मिल पाएगा तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ज्वाइन अगर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है तो इसलिए भी है अब देखिए ओनरशिप इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग ओनरशिप देखें इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का तो कमर्शियल बैंक में देखिए थर्टी एट परसेंट है इसके बाद आप इंश्योरेंस का देख सकते हो ठीक तो है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कहाँ कहाँ पे ओनरशिप है तो कमर्शियल बैंक में है इंश्योरेंस में हो गया फिर रिजर्व बैंक में हो गया ई है कॉपरेटिव बैंक है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सब जगह जो है अलग अलग तरीके का यहाँ पे इन्वेस्ट है तो थोड़ा तो बहुत आइडिया रहना चाहिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको या आइडिया uh, होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का ओनरशिप कहाँ है तो सबसे पहले नंबर पर कमर्शियल बैंक के पास है सेकंड नंबर पर इंश्योरेंस कंपनी के पास है एंड थर्ड नंबर पर यहाँ पे बैंकों के पास है ठीक है ये तीन याद रखिएगा तो गाइस हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है जिसमें कि हम लोग ने जी सेक वगैरह देख लिया उसके बाद हमने यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो फिजिकल पॉलिसी और इंक्लूसिव ग्रोथ हमने देख लिया ठीक है फिजिकल पॉलिसी मतलब कहने का मतलब है कि सरकार की पॉलिसी क्या है पैसे को लेकर वहीं आप देखते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये हम लोग बैंकों का देखते हैं आर के द्वारा पॉले, मोनिट्री पॉलिसी देखा जाता है फिजिकल पॉलिसी हम लोग सरकार की देखते हैं कि पैसे का कैसे ये जो है हिसाब किताब रख रहे हैं तो आज हम लोग इसी पे इंड करते हैं कल हम लोग टैक्सेशन देखेंगे तो रेटोस्पेक्टिव टैक्सेशन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस इतना ही बोलूंगी कि आप लोग टाइम टू टाइम अपनी रिवीजन रहिए आज के लिए बस इतना ही कलती हूँ कल मिलती हूं कल इसी टाइम पे तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहिए थैंक यू